राजस्थान के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ से युवा अपने दम पर इस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं कि वो लोगों के लिए उदाहरण बने। विशेषकर बात तो मैं फिर दोबारा झुंझुनू जिले का उल्लेख करना चाहूँगा, वहाँ से निकलने वाली प्रतिभाएँ आज इस प्रदेश की नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए प्रेरणा दे रही हैं। मेरे साथ अमित सुदर्शन हैं साथ में, वो अभी सेकेंड अटेम्प्ट उन्होंने दिया था IAS का और उनका 953 भी रैंक आई है। सुदर्शन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया और आप 953 भी रैंक आपकी मिली है। thank you. किस तरह आपने पढ़ाई की और क्या सोचकर आपने इसमें कदम रखा कि मुझे IAS बनना है? IAS का तो शुरू से ही था मन में, लेकिन 12th के बाद तो यही था कि करियर को सिक्योर किया जाए, तो IIT का प्रिपरेशन किया उस टाइम पे। उसके बाद जॉब में मन लगा नहीं, क्योंकि शुरू से मन में वही था, तो इंस्पिरेशन वही था कि कुछ किया जाए सोसाइटी के लिए बैक, तो उसी को इंस्पिरेशन लेके तैयारी शुरू की। और तैयारी में बहुत लोगों से इंस्पिरेशन भी मिला, सीनियर्स थे सुब्रा सक्सेना और काफ़ी हमारे कॉलेज से टॉपर्स थे, तो उनको देख के भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। और फाइनली अमित, आपकी एजुकेशन की अगर बात करना चाहें तो स्कूल एजुकेशन या बाकी एजुकेशन कहाँ रही? 10th और 12th मैंने चिड़ावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा से किया, जो वहीं पे स्कूल है। उसके बाद IIT का प्रिपरेशन किया, और जो मैंने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT रुड़की से किया। और उसके बाद मैंने जॉब किया, पहले मैंने BPCL में जॉब किया था, उसके बाद एक साल ONGC में, उसके बाद इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में, अभी इंडियन रेलवेज में हूँ करंटली, और अगर अच्छी सर्विस मिलती है तो लूँगा, नहीं तो फिर से देने का प्लान है। अब देखो, जैसे और भी लोग जो तैयारी करते हैं उसके लिए क्या बेटर रहता है, पहले कोई सर्विस पकड़ लें इसके बाद IAS की तैयारी करें, सिविल सर्विस की तैयारी करें, या फिर शुरू से ही पढ़ाई के दौरान ही इसकी तैयारी शुरू कर दें? मेरा ये मानना है कि आजकल जो पैटर्न हो रखा है इसमें क्विक प्रिपरेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म मतलब इतना हेल्प नहीं करता है। तो अगर साथ में जॉब ले लिया जाए तो एक सिक्योरिटी भी रहता है, कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, और जॉब के साथ जो लर्निंग होती है अपनी वो भी काफ़ी हेल्प करती है प्रिपरेशन में। क्योंकि जैसे कि रेलवेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अल्टीमेटली हमें उन्हीं के लिए काम करना है, तो वो भी एक फ़ायदा है। और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि सिविल सर्विसेज एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, तो एक प्रेशर बिल्ड नहीं होता कि 2-3 साल कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इंसान जो है थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और फ्रस्ट्रेशन आता है। और इसमें मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी होते हुए भी गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर साथ में सर्विस होती है तो ऑब्वियसली हम बेटर परफॉर्म करेंगे, हमारा इनपुट आउटपुट का रेशियो है वो अच्छा रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि सर्विस साथ में होनी चाहिए। जिस तरह की जो सर्विस हम बात कर रहे हैं इसमें आदमी खुद को तो आगे बढ़ाता ही है, परिवार को तो आगे बढ़ाता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विस है, जैसे आप इसमें जाओगे तो समाज की जिम्मेदारी बड़ी बढ़ती है आपकी, वो लोग वो भी कभी बहुत आशाओं से आपकी तरफ देखते हैं, तो उसको लेकर आपने क्या सोचा? एक्चुअली सर्विस में एंटर करते हैं तो उस टाइम पे यही रहता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि यही फीलिंग सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है कि इस सर्विस में जो आपको मैक्सिमम सोसाइटी के लिए करने को मिलेगा। बाकी सब भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अदर डिपार्टमेंट्स में भी, वो भी गवर्नमेंट की सर्व कर रहे हैं, नेशन को ही सर्व कर रहे हैं, लेकिन एक सीधा जो पब्लिक इंटरेक्शन है, पब्लिक इंटरफेस है, वो वहाँ पर नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है कि हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली लोगों से डील करेंगे, उनके लिए काम कर रहे होते हैं, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो ड्राइव होता है वो तो डायरेक्टली ह्यूमन की सर्विस से ड्राइव होता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि डायरेक्टली पीपल को सर्व कर रहे हैं। हमें इतने कुछ सोच रखा है अपने मन में कि कुछ ऐसा करूँ इस सर्विस के दौरान कि एक लोगों के लिए उदाहरण बन सकूँ, या कुछ मन में है? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि अगर अपने को, अपनी सोसाइटी को या नेशन को आगे जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो एजुकेशन है, और उसमें भी प्राइमरी एजुकेशन है। तो अगर कहीं मौका मिला काम करने का, अगर आगे फर्दर रैंक इम्प्रूव हुई और IAS प्रॉपर मिला, तो ऑब्वियसली मेरा जो मेन पर्पज़ रहेगा वो एजुकेशन पे काम करने का रहेगा, कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना कि एक रटाफिकेशन वाली हो, और लोगों में रियल चेंज आए, मेन मोटिव। ये थे अमित सुदर्शन, इनका कहना है कि मेरा जो मकसद है वो लोगों में रियल चेंज का है। बातें बहुत हो रही हैं लेकिन जमीनी धरातल पर किस तरह परिवर्तन लाया जा सके, किस तरह गरीब और गांव का भला किया जा सके, और इसके लिए जो मेन जो मकसद है वो है शिक्षा। क्योंकि अगर हम शिक्षा को सुधार देंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को सुधार देंगे, और जो मकसद हम चाहते हैं कि देश विकास करे, गांव गरीब का भला हो, उसके लिए जैसा कि अमित का कहना है शिक्षा एक महत्वपूर्ण इकाई है, और मौका उनको मिलेगा। हम इस उम्मीद के साथ, कैमरामैन कमल चौधरी के साथ, लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।